स्वागत है एक बार फिर से आप सभी कार्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। तो आज बात करेंगे दिनांक 10 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की, जिसमें हम सम्मिलित करते हैं राजस्थान और देश दुनिया की खबरें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ खबरों से, जो कि आपके आरएएस और आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका इंदिरा रसोई योजना से। प्रश्न है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से होगी? तो दोस्तों, अभी तक जो राजस्थान के शहरी निकाय हैं, शहरी निकाय मतलब हमारे जो नगर क्षेत्र हैं, नगर पालिकाएं हो गई, नगर परिषद हो गए और नगर निगम, वहीं तक जो है इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा था स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, ठीक है। और अब जो है, अब क्या होगा, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है इस योजना की शुरुआत होने वाली है। तो 1 जून 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जो पंचायती राज के क्षेत्र है वहां पर भी अब इन रसोइयों को शुरू किया जाएगा। तो आइए इस पर थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। 1 जून से अनुदानित दर पर भोजन मिलेगा। इस योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 20 अगस्त 2020 को, अब से 2.5 साल पहले इस योजना को शुरू किया गया था और उस समय 358 रसोई शुरू की गई थी। इस पर कई बार प्रश्न आ चुका है, आपके आरपीएससी बार बार प्रश्न इस पर पूछ रही है, ठीक है। और इसका जो थीम है वो है कोई भूखा ना सोए, मतलब जो भी कोई गरीब व्यक्ति है जो भोजन अफोर्ड नहीं कर सकता है, खास करके शहरी क्षेत्रों में रहने वाले छात्र, बहुत से मजदूर वर्ग, ठीक है, और कोई भी आने जाने वाले लोग जो परिवहन से वहां आते हैं, तो उनके लिए रेलवे स्टेशन से लेकर के और बस स्टैंड और अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स में यहाँ पर इस तरह की रसोइयों की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में सरकार ने इसको आगे बढ़ाते हुए 18 सितंबर 2022 को, पिछले साल ही, और नई जो है रसोइयाँ शुरू की है और 512 रसोइयों को एक साथ जोधपुर के एक कार्यक्रम में शुरू किया था। तो टोटल 512 और 358, 870 के करीब रसोइयाँ हो गई थी। वर्तमान में इन रसोइयों की संख्या बढ़कर के 1000 के करीब हो चुकी है। इसमें क्या दिया जाता है? तो दोस्तों, 8 रुपये में भोजन मिलता है और 5 रुपये में नाश्ता मिलता है। अभी थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार इसमें मिलते हैं, साथ में 2 अतिरिक्त चपाती भी व्यक्ति ले सकता है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है और पहले ये 12 रुपये था, फिर 5 रुपये फिर से बढ़ा दिया गया था जनवरी 2022 में, तो अभी 17 रुपये तो ये हो गए और 8 रुपये व्यक्ति देता है, मतलब कुल मिलाकर 25 रुपये का पेमेंट जो है संबंधित जो भी इस योजना को चलाते हैं उनको, ठेकेदार को दिया जाता है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसमें सम्मान पूर्वक बैठकर भोजन कराने की व्यवस्था। तो पहले जो अन्नपूर्णा रसोई थी पिछली सरकार की, उस रसोई योजना के अंतर्गत जो है खड़े खड़े भोजन करना पड़ता था, लेकिन इसमें स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल है। तो आरएस जंक्शन नाम से एप्लीकेशन है जहां पर जाकर के आप इस पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। तो आज ही आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन किस अवधि के लिए किया जा रहा है? तो दोस्तों, महंगाई को देखते हुए आमजन को सरकार की महंगाई कम करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से जो है जोड़ा जाएगा और इसी क्रम में 14 अप्रैल से लेकर 30 जून की अवधि तक जब राज्य भर में अभियान चलने वाले हैं, प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग, इन दोनों अभियानों के दौरान दुनिया भर के महंगाई कैंप आयोजित होंगे। तो लगभग 2000 से करीब ऐसे कैंप आपके पूरे प्रदेश भर में जो है सरकार के द्वारा आयोजित किए जाने वाले हैं। इसके अंतर्गत आमजन और वंचित वर्ग को जो भी लोगों के लिए उपयोगी घोषणाएं हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। तो 2 विभाग हैं आपके, पहला है पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग जो चलाता है प्रशासन गाँव के संग अभियान, और दूसरा है नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन विभाग जो चलाता है प्रशासन शहरों के संग अभियान। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इन दोनों के साथ में ही आपके महंगाई कैंप लगाए जाएंगे। तो ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के बड़े से बड़े स्तर तक ये कैंप लगेंगे और ऐसे स्थान चुने जाएंगे जहां पर जो है काफी मात्रा में लोगों की आवाजाही रहती है। तीसरा प्रश्न आज का, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कब से शुरू होगा? तो दोस्तों, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन 12 अप्रैल से शुरू होगी और इसकी उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है ये शुरुआत की जाने वाली है 12 अप्रैल को, तो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। 13 अप्रैल से ये प्रतिदिन चलेगी अजमेर से लेकर दिल्ली के बीच में और देश की 14वीं ट्रेन है, मतलब अब तक 13 ट्रेन चल चुकी है और ये 14वीं ऐसी ट्रेन होगी
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी ट्रेन थी, तो 14वीं ट्रेन, ठीक है। पहली ट्रेन शुरू हुई थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में जनवरी 2019 में। ट्रेन की खासियत यही है कि इसकी स्पीड अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जबकि हमारी जो राजधानी ट्रेनें हैं वे 110 से 120 किलोमीटर तक की स्पीड से चलती थी। 8 अप्रैल को इससे पहले चेन्नई कोयम्बटूर और सिकंदरा तिरुपति के बीच में भी इस ट्रेन को शुरू किया गया है। इस ट्रेन में स्पेशल पेंटोग्राफ लगा हुआ है इस बार, तो राजस्थान की ये जो ट्रेन है ये देश की पहली हाई राइज ट्रेन के रूप में भी मानी जा रही है। ऐसी ही और अन्य 5 ट्रेनें जल्दी ही राजस्थान में शुरू होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न राजस्थान से जुड़ा हुआ ही है। 14 अप्रैल को राजस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाने वाला है और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं बड़े बड़े लोग, और ये कार्यक्रम होगा JKLU लॉरिए अवार्ड। तो JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जो है वहां पर जयपुर में स्थित है, वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में हमारे CSIR जो है उसके वैज्ञानिक डॉक्टर RA मशेलकर को सम्मानित किया जाएगा। तो जयपुर में यह अवार्ड आयोजित होगा और इसमें जो सम्मानित होंगे डॉक्टर RA मशेलकर, वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं कि उनको 3 पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो इन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि दोस्तों इन्होंने लगातार जो है देश भर में पेटेंट के मामले में खासकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। और आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर हल्दी है जो कि हमारे पारंपरिक ज्ञान के अंतर्गत आती है, जब अमेरिका ने हल्दी के जो एलिमेंट्स हैं उनको पेटेंट कराने की कोशिश की तो इन्होंने विरोध करते हुए सफलतापूर्वक जो है अमेरिका के पेटेंट को खारिज करवाया था, क्योंकि हल्दी पारंपरिक रूप से भारत में प्रयोग की जाती रही है। ऐसे में जो प्रयास यहाँ पर गलत तरीके से अमेरिका ने किए थे उनको इन्होंने रोका था। JK समूह के जो संस्थापक है हरिशंकर सिंघानिया, उनकी स्मृति में ये JKLU लॉरिए अवार्ड दिया जाता है। इससे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसे जो लोग हैं वे भी इससे सम्मानित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवार्ड की। निम्नलिखित में से किसने टाइम मैगजीन के रीडर्स पोल 2023 में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान को ये मौका मिला है। उन्हें जो है पीपल्स चॉइस अवार्ड के अंतर्गत मैगजीन के जो पाठक हैं उनके द्वारा वोटिंग मिली और 4% वोट के माध्यम से वो सीट्स पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर रही इस्लामिक सरकार के खिलाफ लड़ रही ईरानी महिला प्रदर्शनकारी। तो बहुत सी महिलाओं ने मिलकर के जो है ईरान के अंदर जो बुर्का पहनने की जो प्रथा है उसके विरोध में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया था और एक महिला की मौत के बाद में लगातार ये विद्रोह बढ़ता गया है। तो उसी क्रम में इनको सभी को मिलाकर के यहाँ पर दूसरा स्थान दिया गया है। तीसरे स्थान पर वे स्वास्थ्य कर्मी रहे जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं और विकास के साथ साथ पर्यावरण और जीवों का संरक्षण हो इसी के लिए राज्य में एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव गलियारा बनाया जा रहा है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बनने वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, कौन सा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है जो कि ग्रीनफील्ड है, मतलब नया बन रहा है, कोई पुराना हाईवे नहीं है, बिल्कुल नया तैयार इसको किया जा रहा है। इसी एक्सप्रेसवे में बीच में से वन्य जीवों खासकर हाथियों को निकलने के लिए ऊंचे गलियारे के रूप में लगभग 12 किलोमीटर लंबा एक जो है एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। ये एशिया का सबसे बड़ा गलियारा होगा और इसके लिए लगभग 550 के करीब पिलर बनाए गए हैं। गलियारे का निर्माण सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ के गांव गणेशपुर से उत्तराखंड देहरादून जिले के आशा रोड़ी तक किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न भी है। दिग्गज भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने एरिजोना अमेरिका में जिम क्लिक शूटआउट चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर डेकाथलॉन स्पर्धा में खेलते हुए जो है रजत पदक अपने नाम किया है। डेकाथलॉन 10 अलग अलग स्पर्धाओं का एक समूह है, तो उसमें इन्होंने भाग लिया और यहाँ पर अवार्ड उन्होंने जीता है। तेजस्विनी शंकर की अगर हम बात करें तो तेजस्विनी सिंह शंकर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है ऊंची कूद के अंतर्गत। ये ऊंची कूद के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और बर्मिंघम के जो राष्ट्रीय खेल हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनमें इन्होंने कांस्य पदक भी अपने नाम किया था, ठीक है। इसके अलावा ये यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2015 के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी ऊंची कूद के खिलाड़ी भी ये माने जाते हैं।
इन्होंने चूंकि एक अकाउंटेंट है और अमेरिका में नौकरी करते हैं, तो वहीं पर इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और यहाँ पर रजत पदक जीता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने बात की। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। तो आरएस जंक्शन पर आप बहुत से कोर्सेज के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं रेगुलरली अपडेट देता रहता हूँ, तो दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।